टुडे वी डिस्कस ऑन अ नंबर सिस्टम। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। नंबर सिस्टम के बारे में बात करें, सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर नंबर्स हम लोग पढ़ते क्यों, यानी नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी। वी हैव टू वर्ड्स, हाउ एंड व्हाई। नंबर्स आया कैसे और नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी। नंबर्स रूल आवर लाइफ्स, यानी नंबर्स हमारे जीवन पे राज करती है। कैसे कैसे नंबर्स हमारे जीवन पे राज करती है। वी यूज नंबर्स ऑल द टाइम थ्रू आवर डे, यानी हम दिन भर नंबर्स के बारे में ही बात करते हैं, यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। द ईयर मंथ एंड डे ऑन व्हिच वी आर लिविंग इज अ नंबर, यानी जिस डेट में जैसे कोई हमसे पूछे कि आज का डेट क्या है तो हम क्या बताएंगे, 5/6/2021। इस डेट को लिखने के लिए भी हम किस चीज की हेल्प की जरूरत पड़ी, नंबर्स की जरूरत पड़ी। जैसे टाइम ऑफ द डे, जैसे हम जा रहे हैं और रास्ते में कोई हमसे पूछे कि टाइम कितना हो रहा है तो हम क्या बताएंगे, जैसे अगर उस समय चल रहे कोई 4:30, यानी टाइम को बताने के लिए भी क्या नंबर्स की जरूरत पड़ी। जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास गया चेकअप कराया और डॉक्टर ने दवाई दी और फिर अगले डेट को आने के लिए बोलेगा, जैसे एक को गया फिर बोलेगा कि एक हफ्ता बाद यानी 7 को आने के लिए, तो वो भी क्या बोलेगा 7, यानी उसके लिए यानी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ द डे ये क्या होगा, वो भी क्या होगा एक नंबर ही होगा। जैसे कोई आदमी पैसा कमाने के लिए गया, मान लेते हैं कि राजमिस्त्री, पर डे के हिसाब से उसे पैसा मिलता है, गया एक दिन का उसे 300 रुपए दिया गया, 300 रुपए यानी वो रुपए जो कमाया वो भी क्या है डिजिट में ही, यानी नंबर्स के माध्यम से उसको सिग्निफाई कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं। और वह आते वक्त क्या किया कि 200 रुपए की सब्जी ले लिया, कितने की 200 रुपए की सब्जी, और वो पैसे भी देगा अगर दुकानदार को, वो भी क्या है एक डिजिट ही है, यानी मनी अर्न एंड स्पेंड, यानी जो पैसा हम कमाते हैं या खर्च करते हैं वो भी क्या है एक नंबर है। जैसे कोई हमसे पूछे हाउ मेनी डेज इन अ वीक, एक सप्ते में कितने दिन होते हैं, क्या बताएंगे 7। जैसे हाउ मेनी यू हैव अ पेन, तुम्हारे पास कितने पेन, जैसे किसी के पास एक, किसी के पास दो, किसी के पास तीन, इसी तरह से। जैसे डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, यानी अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कितना है, उसको अगर लिखने के लिए बोला जाए या बोला जाए तो वो भी क्या होगा एक नंबर के माध्यम से उसको बताएंगे। इसी तरह से ये सारे चीजों को ऑब्जर्वेशन करने के बाद पता चलता है कि अगर हमारे पास नंबर नहीं होता तो काउंटिंग्स को हम फिगर आउट नहीं कर सकते थे, यानी नंबर्स हमारे पास इसलिए आए कि हमारे पास जो चीजें हैं, जो क्वांटिटी है उसे क्वांटिफाई कर सके या फिगर आउट कर सके। वी नीड नंबर्स टू एक्सप्रेस एनी क्वांटिटी इन अ फिगर्स, यानी वी आर नथिंग विदाउट नंबर्स, यानी नंबर्स के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं है। आप नंबर्स की जरूरत के ऊपर ये पता चलता है। अब आते हैं ये नंबर्स आया कैसे, हाँ ये नंबर आया कैसे। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है, नेसेसिटी इज द इन्वेंशन ऑफ मदर। नंबर्स आया कैसे, अभी हम जानते हैं कि अगर कोई हमको काउंट करने के लिए बोले तो कैसे काउंट करेंगे 1 2 3, लेकिन जब हम आदि मानव रहे होंगे, एंशियंट टाइम की बात करते हैं, जो हमारी एंशियंट सिविलाइजेशन है उसकी बात करते हैं कि उन्होंने काउंट करने की किस तरह से कोशिश की होगी। हो सकता है जब हम आदि मानव रहे होंगे तो फिंगर्स का यूज किए होंगे या एनिमल्स के बोन्स, यानी जानवरों की हड्डी का यूज किए होंगे। तो एंशियंट टाइम में हो सकता है कि इस तरह से काउंट करने की कोशिश किए होंगे। जैसे दो दोस्त थे,
अल्फू, एक अल्फू और एक सीबू, अल्फू ए और सीबू एस, दो दोस्त। अल्फू एक दिन जंगल में गया और उसने सिक्स डियर्स देखे, कितने डियर्स? सिक्स डियर्स। अब वो अपने दोस्त सीबू के पास आया और सीबू को बतलाया कि हमने कितने डियर्स देखे। तब वो कैसे बतलाएगा? उसने फिंगर्स का यूज किया होंगे, हो सकता है उस समय हमें बात करने के फिंगर्स का यूज किए होंगे, 1 2 3 4 5 और 6 बताया अपने दोस्त सीबू को। सीबू बहुत खुश हुआ। अगले अल्फू फिर से जंगल में गया, उसने 10 डियर्स देखे, कितने? 10 डियर्स, 10 डियर्स देखे। तो फिर से वो आके फिंगर्स का यूज करके अपने दोस्त सीबू को बतलाया। अगेन मतलब अगले दिन वो फिर से जंगल में गया और उसने 22 डियर्स देखे, कितने? 22 डियर्स देखे। अब वो अपने दोस्त सीबू को कैसे बताया? क्योंकि उसके पास हाथ और पैर मिलाकर सिर्फ 20 डियर्स ही थे। फिर क्या हुआ कि अल्फू के दिमाग की बत्ती जली। उसने क्या किया? एक नुकीला पत्थर उठाया। क्या उठाया? एक नुकीला पत्थर, और पत्थर पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया और सीबू को बताया कि मैंने 22 डियर्स देखे। जो कि यही सिस्टम आगे चलकर मैथमेटिशियन ने टेलीमार्क सिस्टम नाम दिया था, टेलीमार्क सिस्टम। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे चीजों की जरूरत बढ़ती गई उसके हिसाब से चीजें बढ़ती गई। तो जो हमारी एंशियंट सिविलाइजेशन है वो सबसे पहले इंडिया एंड अरब्स सारी दुनिया को बतलाया नंबर्स के बारे में। नंबर्स के बारे में जो हमारी एंशियंट सिविलाइजेशन है सारी दुनिया को सबसे पहले बतलाया। उसके बाद वो वहां से अफ्रीका गए और वहां से कुछ अर्ली नंबर सिस्टम दिए, और अर्ली नंबर सिस्टम में जो सबसे पहले जो नंबर सिस्टम था वो बेबीलोनियन सिस्टम था। क्या था? बेबीलोनियन सिस्टम, बेबीलोनियन सिस्टम जिसे हम अभी इराक कहते हैं, उस समय बेबीलोनियन कहा जाता था। बेबीलोनियंस, बेबीलोनियन सिस्टम्स, बेबीलोनियन सिस्टम्स ये एक 60 बेस सिस्टम था। क्या बेस था? 60 बेस सिस्टम था। मानव जाति के गणित के बारे में सबसे पहले जो बतलाया था वो इजिप्ट, इजिप्ट और बेबीलोन, बेबीलोन ये दोनों के लोगों ने मिलकर मैथ के बारे में सबसे पहले बताया, सबसे पहले बताया। यानी बोथ सिविलाइजेशन डेवलप द मैथमेटिक्स, यानी दोनों सिविलाइजेशन मिलकर मैथमेटिक्स को डेवलप किया था। दैट वाज सिमिलर इन स्कोप, मतलब स्कोप में ये दोनों सिविलाइजेशन सेम ही था बट डिफरेंट इन पर्टिकुलर्स, लेकिन क्षेत्र में भिन्न था। मैथ, मैथ में मैथ की प्राथमिकता जो होती है सबसे पहले बेबीलोन से ही, सबसे पहले बेबीलोन से ही थी, जो कि आगे चलकर बेबीलोन के जो एस्ट्रोनॉमी के खगोलकार जिसको कहते हैं वो ग्रीक का सहारा ले गया, ग्रीक का सहारा ले गया। और बेबीलोन वाले जो थे वो नंबर्स को पिक्चर के फॉर्म में लिया, किस फॉर्म में लिया? पिक्चर के फॉर्म में लिया, और यह एक 60 बेस सिस्टम था। और इस बेबीलोन वाले जो थे वो क्ले पे 7 स्टोन से लिखे थे। क्ले का मतलब होता है कि क्ले का मतलब होता है जैसे हुआ चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी पर ये 7 स्टोन से लिखा करते थे। जैसे उस समय 1 लिखना होता था तो इस तरह से लिखा जाता था 1, और यह बेस क्या था? 60 बेस सिस्टम था। जैसे 1 10 60 600, उसके बाद 36 36, इस तरह से वो लिखा करते थे, इसी तरह से ये 60 बेस सिस्टम था। और बेबीलोनियन वाले ही सबसे पहले जियो के बारे में बताया था एज ए प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर के रूप में जियो को यूज करते थे। कब? और ये जियो को कभी भी नंबर का दर्जा नहीं दिया था उस समय बेबीलोनियन। और इसके बाद जो एक सिविलाइजेशन आया था उसका नाम था रोमन सिविलाइजेशन, जो वर्ल्ड में बहुत लंबे समय तक लीड किया था। रोमन सिस्टम,
इसने क्या किया, पिक्चर के कोने नंबर दिया, लेकिन रोमन जो था ना, रोमन सिविलाइजेशन, वो इटली वालों ने इसे डेवलप किया था, क्योंकि इटली के इटली प्राइड्यूक के एक शहर में इक्वेरी एक्वायर लैंडिंग, या जिसको कहते हैं हिंदी में भूमि अधिकरण, या एक किंगडम, एक साम्राज्य शुरू किया था जिसका नाम था रोम। रोम एक शहर का नाम था। रोम वाले ने बहुत डेवलप किया था, इसने पिक्चर्स का यूज किया था रोम वाले, लेकिन रोम वाले ना फिंगर्स का यूज किया, इसने एक को एक फिंगर्स, दो को दो फिंगर्स, तीन को तीन फिंगर्स, और फिर इसने क्या किया, फाइव को थंब और इस फिंगर्स का सहारा लेकर भी बनाया, भी बनाया, जिसको बोला पंच। और यहां पर आगे एक लगा दिया जाता था तो इसमें एक एड ऑन हो जाता था जिसको सिक्स बोलते हैं, और एक पीछे रख दिया जाता था तो एक सब्ट्रैक्ट हो जाता जिसको फोर्थ करते हैं। तो फाइव बना, सिक्स बना, सेवन बना, एट बना, उसके बाद बंद आया टेन पे, कि अब टेन को कैसे बनाया। उसने क्या किया कि थंब और इसको भी बनाया था, इसी को इसी दोनों फिंगर्स का यूज करके इसको उल्टा करके इसमें एड ऑन करके एक्स बनाया जिसको बोला टेन। क्या बोला? टेन। फिर इसने इसके आगे एक बनाया तो इलेवन, पीछे लगाया तो नाइन्थ, इसी तरह से इलेवन ट्वेल्थ। लेकिन ये सिविलाइजेशन जो था ना, वह बड़े बड़े नंबरों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बड़े नंबरों के लिए क्या हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो ये सिविलाइजेशन उतना आगे बढ़ नहीं पाया। इसके बाद एक और सिविलाइजेशन आया जिसका नाम था मायान सिविलाइजेशन। क्या था? मायान सिविलाइजेशन। मायान सिविलाइजेशन एक साइंटिफिक सिविलाइजेशन था। मायान सिविलाइजेशन के जो लोग थे ना, नंबर को बहुत ही ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट किया था। देखो बेबीलोन वाले क्या किया था, पिक्चर के कोने नंबर्स दिया। रोमन वाले क्या किया, फिंगर्स का यूज किया। अब इसने क्या किया, मायान वाले क्या किए कि डॉट का इस्तेमाल किया। इसने एक को सिंगल डॉट, दो को डबल डॉट, और थर्ड को, तीन को ट्रिपल डॉट, और इसने क्या फाइव के लिए एक लाइन इस तरह से ड्रॉ किया, उसको बोला फाइव। और सबसे पहले बेबीलोन के बाद जीरो के बारे में जो बताया ना, वो मायान ही था। इसने इसको एक्सियल बोला। क्या बोला? एक्सियल मतलब इस तरह का फॉर्म था जिसको जीरो बोला। क्या बोला? जीरो। इसने इसको फाइव बोला, इसको सिक्स लिखना होता था ना, इस पे एक डॉट और बढ़ा दिया जाता, पंद्रह लिखना होता था ना, इसी को तीन बार लिख दिया जाता पंद्रह। माया सिविलाइजेशन था। ये सिविलाइजेशन बहुत लंबे समय तक चला था, बहुत लंबे समय तक। लेकिन ये भी सिविलाइजेशन जो था ना, जीरो को नंबर का दर्जा नहीं दिया था। इंडिया वाला जो था अपना इंडियन सिविलाइजेशन, वही था जो जीरो को नंबर का दर्जा दिया था। आफ्टर सो मेनी सिविलाइजेशन आवर मॉडर्न सिस्टम वाज इवॉल्व्ड, यानी बहुत सारी सिविलाइजेशन के बाद, हमने देखे ना बेबीलोनियन था, रोमन था, मायान था, इसी तरह से बहुत सारी और भी सिविलाइजेशन आई, जैसे चाइना का एक सिविलाइजेशन आया था। चाइना ही सबसे पहले जो था ना, चाइना वो प्लेस होल्डर का इस्तेमाल किया था सबसे पहले, यानी बहुत सारी सिविलाइजेशन आई और उसके बाद मॉडर्न सिस्टम इवॉल्व हुआ था। यानी आफ्टर सो मेनी सिविलाइजेशन आवर मॉडर्न नंबर सिस्टम वाज इवॉल्व्ड, और वो जो मॉडर्न नंबर सिस्टम था वो क्या था, टेन बेस सिस्टम था। टेन बेस सिस्टम, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट और नाइन, जिसको डिजिट बोला जाता है।